जो है प्रोपोर्शनल बैंड में क्या होगा कि प्रोपोर्शनल बैंड हाई गेन और प्रोपोर्शनल बैंड लो गेन। अच्छा, प्रोपोर्शनल बैंड क्या होगा कि गेन का इन्वर्स होता है, यानी 100 ओवर योर गेन, आपकी 100 से डिवाइड कर दें आप गेन को, ठीक है, यानी गेन इज इक्वल टू 100 ओवर पीबी, तो पीबी इज इक्वल टू 100 ओवर गेन। तो गेन अगर 1 है तो ये 100 है, और अगर गेन 2 है तो ये 50%, यानी इन्वर्स है, गेन ज़्यादा होगी तो प्रोपोर्शनल बैंड आपका कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ओनली पी पी ओनली कंट्रोल। अच्छा, अब ये हम कुछ इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट इज द गेन ऑफ अ कंट्रोलर विद द प्रोपोर्शनल बैंड ऑफ 40% एंड 200%। अब 40% पे देखें क्या होगा कि गेन 2.5 आ रही है, क्योंकि 100 ओवर 40 इज 2.5, यानी 40% का क्या मतलब है कि गेन ज़्यादा है एक से। और अगर आपका प्रोपोर्शनल बैंड 200% है, इसका मतलब है कि गेन आपकी हाफ है, यानी ये इन्वर्स है आपस में ना रेशियो। अच्छा, व्हाट विल बी प्रोपोर्शनल बैंड सेटिंग इन परसेंटेज फॉर अ कंट्रोलर विद अ गेन ऑफ 3। तो गेन ऑफ 3 में क्या होगा कि 100 ओवर 3 तो 33%, और अगर गेन 0.4 है तो इसका प्रोपोर्शनल बैंड कितना होगा, 250%, ठीक है। तो ये आपको सेटिंग पता होनी चाहिए कि प्रोपोर्शनल बैंड और प्रोपोर्शनल गेन में क्या फ़र्क है। अच्छा, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप गेन जैसे सिस्टम की बढ़ाते हैं तो आपके सिस्टम में फिर जो है वो ऑसिलेशंस और फर्दर इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो ये इसकी थोड़ी सी ऊपर थ्योरी लिखी है, एक्सप्लेन वो यही कर रहे हैं कि अगर आप अपना अपनी गेन बढ़ाते हैं, ठीक है, तो गेन बढ़ाने से क्या होता है कि पहले आपका सिस्टम जो है वो इस तरह का ओवरडैम टाइप का होगा, ठीक है, उसके बाद उसमें ऑसिलेशंस आने शुरू हो जाती हैं। अगर आप फर्दर गेन उसकी बढ़ा दें, यानी गेन बढ़ा दें या अपना प्रोपोर्शनल बैंड नैरो कर लें, यानी प्रोपोर्शनल बैंड नैरो करते जाएं या गेन बढ़ाते जाएं, इसका एक ही मतलब है, तो आपकी क्या ऑसिलेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सिस्टम ऑसिलेटरी बन जाता है, इसके बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। हम जब पीआईडी कंट्रोल की ट्यूनिंग करते हैं ना, तो ये फैक्ट वहाँ भी काम आएगा कि इसको बोलते हैं जिगलर निकोल्स मैथड, कि आप क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनल गेन बाकी दोनों गेन्स को जीरो करके, यानी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को जीरो करके, आप सिर्फ प्रोपोर्शनल गेन पे काम करेंगे और उसको इतना बढ़ाएंगे कि सिस्टम आपका ऑसिलेट करना शुरू कर दे, और फिर इसका आप टाइम पीरियड मेजर करेंगे, ठीक है, और वो गेन उसको अल्टीमेट गेन बोलते हैं। ये आगे ट्यूनिंग में आ रही है सारी बातें ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर एक रिस्पॉन्स कर्व होती है, क्वार्टर डिके रिस्पॉन्स कर्व। अब इससे क्या मुराद है कि आपकी गेन इस तरह की हो कि पहले आपका अगर एम्पलीट्यूड आ रहा था ए, उसके बाद वो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा, यानी ए बाई 4, और उससे नेक्स्ट में ए बाई 16, यानी इसका 4 गुना कम। तो इस गेन को भी जो है ना, इसको जो है इसको इसको क्वार्टर डिके रिस्पॉन्स कर्व जो है हम बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली द प्रोसेस ऑप्टिमम सेटिंग ऑफ द प्रोपोर्शनल बैंड विच इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द हाईली स्टेबल बट स्लगिश लो गेन सिस्टम विद लार्ज ऑफसेट एंड फास्ट एक्टिंग अनस्टेबल ऑन ऑफ सिस्टम। यानी एक तरफ क्या है कि फास्टनेस है, यानी अगर आप सिस्टम को फास्ट करते हैं तो उसमें ऑसिलेशन आ जाएंगी, और अगर आप उसकी गेन को कम करेंगे, ठीक है, या प्रोपोर्शनल बैंड को बढ़ाएंगे तो उसमें ऑसिलेशन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो स्लगिश हो जाएगा। स्लगिश से क्या मुराद है, स्लो, यानी वो स्लो हो जाएगा आपका सिस्टम। तो उस सूरत में क्या है कि द एक्सेप्टेड ऑप्टिमम सेटिंग इज वन दैट कॉजेज द प्रोसेस टू डिके इन अ 1/4 डिके मेथड एज शोन इन द फिगर 10 एंड 11। तो 1/4 डिके मेथड इसको बोलते हैं कि ये एक ऑप्टिमम गेन है, प्रोपोर्शनल गेन या प्रोपोर्शनल बैंड एक ऑप्टिमम है कि जिसमें आपकी जो है वो क्वार्टर डिके जो है वो, इसमें ऑसिलेशंस भी हैं, थोड़ी सी थोड़ी ऑसिलेशंस है ना, पहले ए है फिर ए बाई 4 है फिर ए बाई 16 है अगले साइकिल के अंदर, लेकिन आपका जो है वो प्रोसेस फास्ट है इसमें ना, कंट्रोल एक्शन फास्ट है। अगर आप गेन को कम कर देंगे तो रिस्पॉन्स आपका स्लो हो जाएगा, अगर आप गेन वो इससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा ऑसिलेटरी हो जाएगा। तो ये इनके इन बिटवीन ऑप्टिमम है, इसको बोलते हैं क्वार्टर डिके रिस्पॉन्स कर्व। अच्छा, दी क्वार्टर डिके शो दैट द प्रोसेस रिटर्न्स टू अ स्टेडी स्टेट कंडीशन आफ्टर 3 साइकल्स ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। दिस ऑप्टिमाइजेशन विल बी डिस्कस्ड मोर फुली। अच्छा, आगे इसमें वही पुरानी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बार बार रिपीट कर रहा है। अच्छा, क्लियरली इफ द एरर इज जीरो द कंट्रोल सिग्नल विल बी जीरो एंड देर इज एन अनडिजायरेबल सिग्नल, देयरफॉर फॉर प्रोपोर्शनल कंट्रोल अ कांस्टेंट टर्म ऑफ बायस मस्ट बी एडेड टू प्रोवाइड अ स्टेडी स्टेट कंट्रोल सिग्नल। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। समरी क्या है जी, द कंट्रोलर एक्शन मस्ट बी चोजन आइदर डायरेक्ट और रिवर्स टू अचीव द करेक्ट कंट्रोल रिस्पॉन्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका पीवी इंक्रीज होने से, अगर आपके कंट्रोलर की आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्ट एक्शन है, लेकिन अगर आपके पीवी इंक्रीज होने से कंट्रोलर के जो कंट्रोल आउटपुट है वो डिक्रीज होती है तो वो रिवर्स एक्शन कहलाता है। फिर उसके बाद प्रोपोर्शनल बैंड आ गया और फिर ये क्वार्टर डिके।